हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार। हमारे चैनल के कैनेडिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फिर से मैं न्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। जैसे कि इस वीडियो पे आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे फ्रेंड्स, कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, गूगल एडिशन जो हमारा अकाउंट है फ्रेंड्स, उस पर देख सकते हैं आ चुका है हम लोग का योर यूट्यूब पेमेंट ऑन होल्ड रिसीव अकाउंट इशू द फिक्स, यानी कि हमारे जो पेमेंट है यूट्यूब का वो होल्ड कर दिया गया है। तो किस कारण से किया गया है, किस विषय में हुआ है, अगर आप भी एक यूट्यूबर है और आपको भी इस तरह का ऑप्शन अगर लीक करके आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीडियो के आगे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को स्टार्ट से दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को न्यू टैब ओपन कर लेना है और वहां पर आप लोग को टाइप कर देना है गूगल एडिसेंस। आपको अपना गूगल एडिसेंस को ओपन कर लेना है सबसे पहले। तो देख सकते हैं मेरा गूगल एडसेंस ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर ऊपर पे देख पा रहे होंगे, आप लोग को यहाँ पर शो हो जा रहा है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को शो हो जा रहा है कि मेरा जो है योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड टू दिस अकाउंट इशू। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमारा जो पेमेंट है वो होल्ड है, तो इसी को हम लोग को शॉर्ट आउट करना है। तो कैसे शॉर्ट आउट होगा तो वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक्शन नाउ का एक बटन दिख रहा है, आपको एक्शन नाउ पे टैप कर देना है। तो जैसे एक्शन नाउ पे टैप करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं नेक्स्ट पेज क्या खुल करके आ जा रहा है। तो देख सकते हैं ये नेक्स्ट पेज खुल करके आ चुका है। योर मैक पेमेंट इंक्लूड द नेक्स्ट पेमेंट सर्कल प्रोवाइडिंग टू टैक्स इन्फॉर्मेशन दिस फ्यू टेक ए मिनट, यानी कि जो हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन को हमने फिल नहीं किया है, इसी वजह से हमारा ये जो है प्रॉब्लम, जो हमारा यूट्यूब का पेमेंट है वो होल्ड कर दिया गया है। टैक्स इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। तो इसमें आपको दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम रहता है तो टैक्सेशन कहती है, यानी कि ये जो वीडियो है टैक्सेशन के पर्पज से है, यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए आप लोग को अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहां लिखा हुआ ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन, यहां पर आप लोग को दिख जा रहा है ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन, आप लोग को यहां पर शो हो जा रहा है। तो इस पे आप लोग को फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को यहां से देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूं, यहां पे आप लोग को कर देना है क्लिक। तो यहां पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप लोग को नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा। तो इस पेज पे आप लोग को फिर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे करोगे तो एक न्यू पेज खुल करके आएगा, जिस पे आप लोग को यहां पर आपकी जो है मेल आईडी की पासवर्ड, यानी कि सिक्योरिटी के लिए आपको पासवर्ड डालनी होगी। तो यहां पर मैं अपनी मेल आईडी का पासवर्ड यहां पर डाल देता हूं। पासवर्ड डाल देने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे टैप कर देना। तो जैसे नेक्स्ट पे टैप करेंगे लोडिंग होकर के ये पेज हट जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये पेज हट जाएगा, फिर से आपका जो पुराना पेज है वो रीलोडेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसको रीलोडेड हो जाने के बाद आप लोग का यहाँ पर टैक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आपको अच्छे तरह से वीडियो को फॉलो करना है, कहीं भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट टाइप अकाउंट इन कुंदन कुमार। तो आपका ये अकाउंट कैसा है, तो इंडिविजुअल अकाउंट है हमारा, आपका भी इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है तो वो आप सेलेक्ट कर लो। तो ज्यादातर आपका इंडिविजुअल सभी का होता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ था आर यू सिटीजन और रेसिडेंटल यूनाइटेड स्टेट, क्या आप यूनाइटेड स्टेट से हैं, तो हम लोग अगर आप इंडियन हैं तो आपको यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट W8 फॉर्म 8 टैक्स फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो ऊपर वाला सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट W2 8 BEN फॉर्म को आपको सबमिट करना है। तो जैसे इसको सबमिट करेंगे तो फिर से इस पेज को लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा, जो नेक्स्ट पेज लोड हो जाकर आप लोग को आएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज खोल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी नेम होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ अपना सिटीजन सेलेक्ट करना है, आपका क्या सिटीजन है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, हम लोग का जो है हमारा इंडिया है, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शनल है, आप इस दोनों को छोड़ भी सकते हैं, बट फॉरगेट TIN को आप अपना यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आपको डाल देनी है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर पैन नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं, पैन नंबर डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा आपका एड्रेस। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का एड्रेस आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, अच्छी तरह से आप लोग को एड्रेस फिल कर देना है। तो ये ऊपर वाले बॉक्स पे आप लोग को परमानेंटली एड्रेस, अगर आपका यही परमानेंटली एड्रेस है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह यूट्यूब से आता है तो ये आपकी परमानेंट एड्रेस है, तो आप इसको यस कर सकते हैं, हमारा ये परमानेंट एड्रेस है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर देना है कि कोई भी यूट्यूब से अगर आपको कोई भी मिलता है, कुछ भी गिफ्ट वगैरह जो भी होता है, तो वो आपको ये परमानेंट एड्रेस है जो अभी आप फिल करेंगे। तो अगर परमानेंट है तो उसको टिक करके आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। तो मैं एड्रेस को फिल कर देता हूं यहां पर, हमारा जो भी एड्रेस।
देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर चुका हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद आप लोग को अगर आपका जो मालिक एड्रेस है दूसरा एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं नीचे, या तो दोनों सेम एड्रेस है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो मैं उस पर टिक कर चुका हूँ। ऊपर आपको देख लेना है एड्रेस, उसके बाद फिर से आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप लोग को लोडिंग लेना हो जाएगा स्टार्ट। तो आप लोग का नेक्स्ट पे आ जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को इस बॉक्स में चेकआउट लगा लेना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है जिसमें आप लोग को सर्विसेज के बारे में किस पे क्या टैक्स और क्या देना है उसके बारे में आते हैं। तो सर्विस पे आते हैं, एडिशंस पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आर्टिकल हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो आर्टिकल 7 इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रेट इस पे 0% देंगे क्योंकि एडिशंस में जो भी हमारा पेमेंट होगा वो 0% कटने के बाद हमारे अकाउंट पे आएगा। उसके बाद हम लोग इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पिक्चर और टीवी पे, तो इस पे हम लोग फिर इस पे भी एक आर्टिकल लगेगा जो आर्टिकल 12 ग्राफ 2A रहेगा। उस पे हम लोग रेट देंगे 15%, यानी कि 15% रेट इस पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग को इसका बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर अदर्स कॉपीराइट जो भी होगा हमारा उस पे हम लोग भी आर्टिकल सेलेक्ट कर देंगे। उस पे भी 15% सेलेक्ट करके बॉक्स पे चिक मार्क कर देना है। उसके बाद हम लोग को इस फिर से नेक्स्ट पे टैप कर देना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद फिर से हम लोग का नेक्स्ट पेज लोड होकर के आएगा। तो नेक्स्ट पेज आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे से ऊपर देख लेना है पूरा, आपकी जो भी आपने डिटेल्स डाला है वो सही है गलत उसको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर से कंफर्म करके नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप लोग को अपना नेम, सबसे पहले जो लेगेसी नेम है फुल नेम आपको अपना फिल कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है और ऊपर वाले पे टिक लगा लेना है आपको। उसके बाद नेम डाल करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको ये फिल कर लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग का नेक्स्ट पेज आ जाएगा खुल करके। इस पे भी आप लोग को उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे वाले में ऊपर वाले में नो पे क्लिक करके उसके बाद इस पे चेक बॉक्स लगा देना है। उसके बाद इस जो नीचे वाला है आप लोग का स्टेटस इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने यूट्यूब से एक भी पेमेंट ले लिया है तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक भी पेमेंट नहीं लिया है तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। तो हमारा एक भी पेमेंट नहीं आया है तो हमने ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया है। तो आपका अगर पेमेंट आ गया तो नीचे वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर पेमेंट नहीं आया तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसका नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सारा चीज पढ़ लेना है, जो भी एग्रीमेंट डिलीवरी है उसको पढ़ के उसके बाद फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप लोग को सबमिट कर लेना है। सबमिट करने से पहले आप एक बार ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं कहीं पे आपका कोई भी डिटेल्स छूटा है या कुछ गलत है, वो आप फिर से चेंज कर सकते हैं। अभी तो सारा चीज हमारा सही है, देख लेना। उसके बाद यहां पर आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप यहां पर सबमिट कर देंगे तो आपको लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा, आपका नेक्स्ट पेज लोड होकर के आ जाएगा। उसका देख सकते हैं जैसे आप सबमिट कर देंगे तो सारा चीज़ हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। तो इस तरह से आपका भी सारा चीज़ अप्रूव हो जाएगा अगर आप सही तरीके से फिल कर देंगे। तो उसके बाद फिर से हम लोग इसको लॉग आउट करते हैं एडिशंस अकाउंट को और फिर से लॉग इन करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमारा ये यूट्यूब पेमेंट जो होल्ड लिखा हुआ था ये हटा है या नहीं हटा है। तो देख सकते हैं लॉग आउट करके हमने लॉग इन किया तो देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन से भी वो हमारा हट चुका है। तो नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से वो एक्शन वाला दिखेगा। तो आपको यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करके देख लेना है कि वेरीफाई हो चुका है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो चुका है। जैसे हमारा $100 कंप्लीट होगा तो हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट भी ऐड हो चुका है, हमने कर लिया है बैंक अकाउंट ऐड। तो हमारा पेमेंट $100 हो जाने के बाद अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने ये सेटअप नहीं किया तो आप सेटअप कर लीजिए, नहीं तो आपकी चैनल डीमोनिटाइज भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।